हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर में हम स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को कैसे फाइंड करते हैं, और अगर हमें बाइंग जाना, स्टॉक खरीदने हैं, तो हमें सबसे पहले चीज ये पता करनी होती है कि हम जो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, जो स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है, उसको कैसे पकड़े। तो ये हम अभी डेटा की मदद से करेंगे। जो प्रीवियस कुछ वीडियो में मैंने डेटा के बारे में जिक्र किया था, आज हम नॉर्मली पिछले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का डेटा बैकअप देखेंगे, और उसके बाद उसका सेक्टर देखेंगे कि पिछले 3 महीने में कौन सा सेक्टर जो है अंडर परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद हम उसी के आधार पे एक डेटा तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें सपोज कीजिए ये निफ्टी 500 की लिस्ट है, ठीक है। निफ्टी 500 की लिस्ट को हम अभी डेटा निकालते हैं मात्र 1 महीने की, या 1 फरवरी से निकाल लेते हैं। 1 फरवरी 2024 से हमें ये देखना है कि कौन सा स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, और लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि 22 मार्च। ओके, तो अभी हमें 1 फरवरी का डेटा चाहिए। तो डेटा के लिए वापस से हम भाव कॉपी के सीट में जाएंगे। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी इसके पहले की सीरीज की, तो वो जाकर के देखें, जिसमें हम भाव कॉपी के बारे में मैंने बताया हुआ है। इसमें करंट डेटा आज का यानी कि 22 मार्च का डेटा डालेंगे। उसके बाद यहां हम डालेंगे डेटा 1 फरवरी का, क्या 1 फरवरी को ट्रेडिंग डे था? ट्रेडिंग डेट होगा तो उस दिन, हाँ ठीक है, 1 फरवरी को भी ट्रेडिंग डे था, मार्केट थी, और 22 मार्च को लास्ट ट्रेडिंग। अभी हमारे पास 22 मार्च और 1 फरवरी के डेटा आ गए हैं। निफ्टी 500 की लिस्ट, इसको वी लुकअप करेंगे हम। वी लुकअप कॉमा रेंज, हम 1 फरवरी का रेंज चाहिए हमें, तो हम इसको यहाँ से लेंगे, इस कॉलम से। क्लोज प्राइस हम उठाते हैं, क्लोज प्राइस हमारे 9 नंबर कॉलम में आता है। कॉमा एग्जिट मैच के लिए 0 और प्रेस इंटर। नाइन ऐड नहीं हो, 9,0 इंटर। इसको हम ड्रॉप डाउन कर देंगे, ड्रैग एंड डाउन करेंगे, तो हमारा कुछ स्टॉक हिडन है, तो वो भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। और वापस से मुझे लगता है कि वी लुकअप अप्लाई करना पड़ेगा। नीचे के डेटा को डिलीट करते हैं। कॉल साइन वी लुकअप सर्च हमें करना है, ये कॉमा रेंज चाहिए, रेंज हमने सेलेक्ट करना है ये जो प्रीवियस डेट का है, जो 1 फरवरी का है, कॉमा 9 इसलिए एंटर करेंगे, वो आप प्रीवियस वीडियो में आप रेफरेंस देख सकते हैं, कॉमा एंटर। अब यहाँ पे वो प्राइस आ गए हैं। ओके ठीक है, 22 तारीख वाले में भी हम सेम ये ऑलरेडी डेटा लिया हुआ है। रिटर्न परसेंटेज बजट टू है, और इसमें भी कुछ गड़बड़ है। कॉल साइन एल एन ब्रैकेट डी डिवाइडेड सी ब्रैकेट क्लोज एंटर। ओके परसेंटेज जेड टू ए कर दीजिए। ओके, यहाँ पे हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, जिसमें कलर स्केल डालते हैं हम कुछ इस प्रकार से।
मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्स वैल्यू ग्रीन, ओके यहाँ पे उल्टा हो गया, मिनिमम वैल्यू रेड, मैक्सिमम वैल्यू ग्रीन, थोड़ा डार्क कर लेते हैं कलर को और इसको भी रेड में इस टाइप का दे लेते हैं, ओके, ताकि आंखों को तकलीफ ना हो, डन। अब आप सॉर्ट करें, ओके। तो अभी ये जो डेटा आपको दिख रहा है, ये 1 फरवरी से 22 मार्च के बीच में जो सबसे ज्यादा गेन और लूज करने वाले स्टॉक है वो इस प्रकार है। अभी हमें अगर सॉर्ट करें वापस से, सबसे अभी ये CGCL को स्टॉक है, तो मे बी ये स्प्लिट हुआ होगा, इसको भी हम कंफर्म कर लेंगे कि क्या इसमें स्प्लिट की कोई न्यूज़ है, तो उसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू ओपन करना पड़ेगा चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट से इसकी न्यूज़ देख सकते हैं, अभी ये ट्रेडिंग व्यू ही ओपन कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा लॉस कैसे दिखा रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में निगेटिव वाले डेटा को क्यों ग्रीन दिखा रहा है? नंबर है, परसेंटेज नहीं। पूरा का पूरा से हम परसेंटेज ही कर देते हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन जीरो, नंबर ग्रेटर देन जीरो, नंबर लेस देन जीरो, परसेंट नंबर जीरो, नो इट्स नॉट वर्किंग। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिड रेंज जीरो, नंबर कर दिया। अगर अभी देखते हैं क्या ओके जीरो से नीचे, चलिए ठीक है, नंबर कलर मैटर नहीं करता है कि कलर क्या है हमारा। ये सब स्टॉक में इतने ज़्यादा लूज क्यों दिखा रहे हैं, अभी हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे इसको देखते हैं। सबसे पहले CGCL को स्टॉक है, CGCL कैपरी ग्लोबल, इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों है पिछले एक महीने में? बोला मैंने स्प्लिट हुई है, यह स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1/4, एक के बदले 4 स्टॉक हुए हैं, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा लॉस दिख रहा है। तो ये पैनिक सिचुएशन नहीं है, इसको 4 से गुना करते हैं तो 800 रुपये इसका प्राइस होना चाहिए, तो उस हिसाब से कोई ज़्यादा लॉस नहीं है इसमें, ठीक है। अभी तो ये हो गया हमारे पास स्टॉक की जो ओवर मतलब अंडर परफॉर्मेंस है या बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस टाइप से। सोलर इंडिया सबसे ज़्यादा इस पीरियड में गेन कर रहा है, ट्रिटर बाइन ऑयल ये सब जो स्टॉक्स हैं। अभी हमें एक और चीज़ निकालनी है, हमें सेक्टर्स के डेटा निकालने हैं कि कौन सा सेक्टर इस पीरियड में लॉस मेकिंग था। उसके लिए हम एक नया सीट लेंगे, इसका नाम सेक्टर्स रखते हैं। सेक्टर्स का डेटा के लिए हमें एक सीट, जैसे भाव कॉपी के लिए हमने एक सीट रखा है, वैसे ही एक सीट और हम डालते हैं यहाँ पे न्यू। इसका नाम हम रखेंगे MAR,
यानी कि मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट। मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे और कहां से इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए भी हम सेम सॉरी एनएससी की साइट से जाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ये प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे और आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। जो लोग मिरेकल समझते हैं कि जादू हो जाए तो वो हमेशा अपना पीएनएल लाल ही लेके घूमेंगे, ग्रेड ही होगा। तो ट्रस्ट मी, वो कितने भी साल चाहे मार्केट में बिता दें, उनका पीएनएल ग्रीन नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको ये लगता है कि कोई मिरेकल हो जाए हमारे साथ, जैकपॉट हो जाए, तो आप ये ख्यालात को दिल से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एनएससी की साइट पर जाएंगे हम, रिसोर्सेस टैब में हम डेली मार्केट रिपोर्ट में जाते हैं। डेली रिपोर्ट में हमें ढूंढना है मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट। इस लिस्ट में फाइंड करना सकते हो यहाँ पे आप, अभी देखिए मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट आ गई है। अभी हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड नहीं करना, हमें इसका लिंक चाहिए। इसका लिंक के लिए क्या करेंगे, अभी इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये होगा नहीं, और अगर इसका लिंक कॉपी करेंगे तो ये ब्लॉक्ड होगा। जैसे कि ट्राई कर लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, फॉर्मूला यूज करेंगे हम इक्वल साइन इम्पोर्ट डेटा, डबल कोट के अंदर हम वेबसाइट को पेस्ट करेंगे तो ये डेटा, ये लिंक पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एरर है जावास्क्रिप्ट में, उस लिंक को हाइड किया है। इसका अल्टरनेट क्या है, इसका अल्टरनेट होगा हमारा, इसका अल्टरनेट है हमें इस लिंक पे क्लिक करनी पड़ेगी। ठीक है, डाउनलोड हो रही है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, हमें इसके डाउनलोड की जरूरत नहीं है। हम यहाँ आ जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में, यहाँ भी नहीं है, और ये होगा फिर इसके अंदर। वापस से हमें फिर से वेट 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 हमें चाहिए ये लिंक। चलिए एक बार फिर से इसको सेव करते हैं, कंट्रोल जैसे डाउनलोड सेक्शन में आ गए और ये लिंक है, इसको राइट क्लिक करेंगे और कॉपी लिंक एड्रेस, अभी आप यहाँ पे पेस्ट करिए, आपके पास लिंक विजिबल है, लिंक कॉपीड है हमारे पास। अभी हम अपने एक्सेल शीट में चलते हैं, इक्वल साइन इंपोर्ट डेटा, डबल कोट के अंदर हम जो लिंक हमने कॉपी उसको पेस्ट करेंगे, डबल कोट क्लोज करके ब्रैकेट बंद और एंटर। अब ये एरर देगा, और एरर क्यों देगा, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था। अभी हमें इस वेबसाइट का जो URL हमने कॉपी किया है, NSE आर्काइव जो लिखा है, उसमें से हमें NSE को हटा देना है और एंटर प्रेस कर देना है। वेट डेटा, ओके, ये वैल्यू यहाँ पे जो नंबर आ रही है, इसको फॉर्मेट में जाकर के हम डेट फॉर्मेट जैसे ही करेंगे ये तारीख आ जाएगी, करेक्ट। ये डेटा है हमारा सेक्टर्स का, इंडेक्स का, ये इंडेक्स और सेक्टर्स के नाम आ गए। इंडेक्स के नाम कहाँ से फिल्टर करने हैं वो भी आपको दिखा ही चुका हूँ मैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, और इस मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट में क्या क्या मिलती है हमें, वो चीज़ें भी आपको बिल्कुल मैं बारीकी से समझाऊंगा। इसमें पूरा दिखेगा आपको कि टोटल ट्रेडर वैल्यू मार्केट में कितना करोड़ का हुआ है, ये करोड़ में है, क्वांटिटी लाख्स में है, टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रेड हुए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन करोड़ में है। तो ये एक एक चीज की डिटेल, ये मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट मार्केट क्लोज होने से एक दो घंटे बाद ये एनएससी के साइट पर पब्लिश हो जाती है। इसमें पूरा ब्यौरा होता है कि उस दिन के लिए मार्केट में क्या क्या गतिविधियां हुई हैं। अभी हमें वापस से एक और इसको पेस्ट करना पड़ेगा, अभी ये तो आ गया 22 मार्च का, ठीक है, तो अभी इंडेक्स का हम पूरा डेटा यहां से उठाएंगे, कॉपी करेंगे, केवल नेम नेम हमें कॉपी करना है, सेक्टर्स की लिस्ट में इसको हम यहां पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास इंडेक्स के नाम आ गए, अभी मैं इसको फिल्टर करूंगा हमें इसमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। अभी हमें केवल सेक्टर्स का डेटा चाहिए, तो सेक्टर्स का डेटा के लिए हमें
इसको फिल्टर लगाना पड़ेगा, वो हम लगा लेंगे अभी। ओके, अगला चाहिए हमें दो डेट, जो डेट हमने इसमें कॉपी किए थे, इसमें हमने चार ऑप्शन डाले थे, एक सेक्टर का कॉलम वहां से हट जाएगा। ठीक है, कॉपी करते हैं इसको और यहां से इसको पेस्ट करते हैं। यहां पे हम इंडेक्स सेक्टर हट जाएगा, इस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, डेट। ठीक है, हमें केवल सेक्टर्स का प्राइस चाहिए, क्लोजिंग प्राइस। तो ये सेक्टर्स का डेटा आ गया। अभी 22 मार्च का डेटा चाहिए हमें, इक्वल साइन वी लुकअप सिलेक्ट कॉमा रेंज, रेंज भी हमें एम ए आर यानी कि मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट से हमें रेंज कॉपी करने हैं। हमने सेलेक्ट करना होगा ये रेंज 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमारा जो क्लोजिंग प्राइस लेना है, क्लोजिंग प्राइस का डेटा, जो डेटा हमने सेलेक्ट किया उसके रो नंबर यानी आई एम सॉरी कॉलम नंबर 6 में है, तो कॉलम नंबर कॉमा 6, एग्जिट डेटा के लिए 0, एंटर। डेटा यहाँ पे आ गया है, निफ्टी का 22 तारीख का क्लोजिंग प्राइस। ये एनएससी की ऑफिशियल साइट से आया है, तो एग्जिट डेटा ही मिलेगा क्लोजिंग प्राइस। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, सेम 1 फरवरी का हमें चाहिए, तो मार्केट एक्टिविटी में इस कॉलम में हमने ये डाला था, यहां से पूरा कॉपी करता हूं और इसी शीट में एक नए रेंज में इस डेटा को पेस्ट करते हैं हम, और यहाँ पे डेट को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ 1 फरवरी 24, 1 2 24, प्रेस एंटर। पर हमारे पास अभी भी यहाँ पे पिछला डेटा आ जाएगा, इस फॉर्मेट को डेट चेंज करना पड़ेगा हमें। फॉर्मेट में जाएंगे हम, डेट पे जाएंगे, इसको डेट कर देंगे। ओके, अगर ये एरर देता है तो उसका अल्टरनेट, एक सीट में अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो कोई टेंशन नहीं। अभी हम इसका अल्टरनेट दिखाते हैं आपको। ओके, अभी हमने 22 तारीख का डेटा यहाँ पे उठा लिया है। ठीक है, इस डेटा में अभी क्या है, वी लुक, आप यहाँ पे एड्रेस बार में देखेंगे तो वी लुकअप करके आएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कॉपी करना है हमें, कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी दबा देना है। अभी यहाँ से डेटा आ गया एग्जैक्ट, क्योंकि डेटा मूव हो गया नहीं, 22 तारीख की चाहिए थी हमें। अब 1 तारीख की हमें चाहिए, इक्वल साइन वी लुकअप कॉमा, पहले हम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, डेट हम बाद में भी चेंज कर लेंगे, कॉमा 6 कॉमा 0, एंटर। अभी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि डेट तो यहाँ हमने 1 तारीख लिखा है, लेकिन बैक साइड में डेटा पे 22 मार्च का ही डेटा है, तो हम इसको यहाँ से 1 फरवरी का डेटा फेच कर लेते हैं। एक दो चौबीस प्रेस इंटर, 1 2 24 करते ही हमारे पास 1 फरवरी का डेटा आ जाएगा। ओके, डेटा आ चुका है, सेक्टर्स में जाएंगे, एक नया सीट लेना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। एक प्रोडक्ट डेटा आ गया। ठीक है, प्राइस डिफरेंस, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट भी। अभी ये डेटा हमें
शिफ्ट नहीं करने, ये 1 तारीख 1 फरवरी का है और ये 22 मार्च का है। अभी हम ये देखने हैं कि इसमें इंडेक्स का रिटर्न परसेंटेज निकालना, इक्वल साइन एल एन ब्रैकेट ओपन लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी इसको हमें परसेंटेज मोड में करना है, फॉर्मेट नंबर्स परसेंट, फिल्टर लगा लेते हैं। ओके, अब सॉर्ट करते हैं कि किस सेक्टर में तेजी है, किस सेक्टर में ये। और अभी अभी इंडेक्स में हमारे पास सारे इंडेक्स आ गए, इसमें सभी हमें नहीं चाहिए, जो इंडेक्स जो सेक्टर हम ट्रेड करते हैं हमें बस वो चाहिए होगा, तो उसके लिए हम यहाँ से फिल्टर करेंगे पहले। इसको हम यहाँ तो बाय नेम सॉर्ट कर लेते हैं, उससे हमें फिल्टर करने में आसानी होगी, आसानी ये होगी। अभी हमें निफ्टी अल्फा इसमें आ जाइए, निफ्टी 100 नहीं चाहिए, 200 नहीं चाहिए, केवल चाहिए 500 लेते हैं, अल्फा 50 नहीं चाहिए, अल्फा लो वैल्यू नहीं चाहिए, ऑटो बैंक कॉमोडिटीज कंज्यूमर कंजन पी एस सी नहीं चाहिए, एनर्जी फाइनेंशियल सर्विस 25 ये भी नहीं चाहिए, एफ एम सी जी ग्रोथ सेक्टर नहीं चाहिए, ग्रोथ सेक्टर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कॉर्पोरेट फिक्सिंग इंफ्रा आईटी लार्ज मिड मीडियम मेटल माइक्रो कैप मिड लिक्विडिटी मिड सिलेक्ट 100 150 नहीं चाहिए। इंडेक्स में वही रख रहा हूँ जिसमें ट्रेड होते हैं, मिड कैप 50 नहीं, मिड स्मॉल एमएनसी चाहिए, नेक्स्ट 50 नहीं चाहिए, फार्मा वाइन पीएससी पीएसयू बैंक रियलिटी सर्विस सेक्टर स्मॉल कैप नहीं चाहिए, टोटल मार्केट में नहीं चाहिए हमें। इंडेक्स वही रख रहे हैं जिसमें ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी लो 100 ESG अल्फा 200 मोमेंटम इक्वल वेटेड, बहुत सारे निफ्टी के सब सेक्टर्स से हैं इंडेक्स, 500 मल्टी कैप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ओके, अभी हमारे पास फिल्टर्ड स्टॉक के सेक्टर्स आ गए हैं जिस सेक्टर में हमें काम करना होता है, ये गिने चुने होते हैं। अच्छा, विक्स भी नहीं चाहिए हमें, इंडिया विक्स की कोई ज़रूरत नहीं हमें। ओके, 500 भी देखा जाए तो नहीं चाहिए, इसको भी हटाते हैं। अभी जो हम ट्रेडेबल है उसमें 26 नाम है इंक्लूडिंग निफ्टी 50 निफ्टी बैंक। अब रिटर्न के लिए भी हम वैसे ही एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, सेम रूल अप्लाई करेंगे इसमें भी, ये डालते हैं 0 होगा, मिनिमम तो रेड में है, मैक्सिमम यहाँ से हम सॉर्ट कर लेते हैं ग्रोथ किसमें हुई ज़्यादा और किसमें है नुकसान, तो 0 से नीचे वाला भी नंबर जो 0 है वो फीका पड़ जाएगा। ओके, ये डेटा भी अभी ये जो टाइम ड्यूरेशन है 1 फरवरी, इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा गेनिंग सेक्टर है हमारा ऑटो, जो पिछले 1-1.5 महीने में सबसे ज्यादा गेन कर रहा है, और सबसे ज्यादा जो लूजिंग में है आपका मीडिया सेक्टर आईटी एफएमसीजी। अभी इससे क्या पता लगेगा कि अगर हमारे पास ये सेक्टर्स की डेटा अवेलेबल है, ओके,
अभी इसको ए टू जेड करता हूँ, और अभी देख लो कि कौन सा सेक्टर में क्या क्या चल रहा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ट्रस्ट मी ये आपके बहुत ही ज्यादा काम की वीडियो है। अभी यहाँ पे आपके पास डेटा आ गया, अभी आपको दिख रहा है कि ये 1.5 महीने में जो स्टॉक जो सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस हैं वो कौन कौन से हैं। आईटी, मीडिया के बाद आईटी एफएमसीजी, मिड सेलेक्ट को हटा देंगे, भी उसके लिए कंसीडर नहीं करेंगे, और प्राइवेट बैंक, आईटी एफएमसीजी प्राइवेट बैंक। ओके, मिड सेलेक्ट को भी यहाँ से हम लिस्ट से हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा क्योंकि उसके अंडर के सेक्टर नहीं मिलेंगे हमें। एक बार इसको भी हटा दिया जाए। मीडिया सेक्टर, अब निफ्टी 500 की लिस्ट में आते हैं और यहाँ सेक्टर्स वाले फिल्टर पे जाते हैं, और सबसे पहले हम निफ्टी मीडिया सेक्टर को उठाते हैं। पावर, ऑयल, मेटल, मीडिया कहाँ भी है? ओके, मीडिया है यहाँ पे, मीडिया इंटरटेनमेंट, इसको क्लिक करते हैं। अभी केवल मीडिया सेक्टर के ही स्टॉक हमारे स्क्रीन पे दिखेंगे, और आप देख लीजिए कि इस पीरियड में कितना आसान हो गया कि जैसे मुझे सेक्टर पता लग गया कि अगर सेक्टर में इतनी ज्यादा गिरावट है तो जाहिर सी बात है कि उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स भी गिरे होंगे। ये मीडिया सेक्टर के सारे स्टॉक, नेटवर्क 18, नजारा, टीवी 18, जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी, पीवी आईनॉक्स और सारेगामा। अब ये स्टॉक हमें फिल्टर होके मिल चुके हैं। अब इन स्टॉकों को हम अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे, और जो भी स्टॉक हमें ओवरसोल्ड जिन जोन में दिखता है और हमें पैरामीटर, हमारे पैरामीटर पे जो फिट बैठता है, जो भी इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं पिछले वीडियोज में जैसे कि आरएसआई बेस्ड, तो उस पे हमें ट्रेड कैसे मिलेगा और क्या ट्रेड के लायक है। तो ये आपका अभी तक आपके पास यहाँ पे 500 स्टॉक थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 501 स्टॉक में से मात्र 7 स्टॉक आपके आसानी से मिल गए। दूसरा सेक्टर है हमारा टॉप लूजर आईटी। अब हमें फिल्टर में जा करके वापस से केवल इसको हटा करके हमें यहाँ पे लिखना है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लिक एंड ओके। देखिए आईटी के स्टॉक्स आ गए, आईटी में कौन कौन सा गिनर है, कौन कौन सा लूजर है। अभी वापस से शॉर्ट करेंगे ए टू जेड करके, अभी जेड टू ए गिनर है बहुत कम, और लूजर देखते हैं जिसकी वजह से स्टॉक गिरे हैं। लूजर इन द सेंस कि अगर लूजर अब ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे एक और फिल्टर आप लगा सकते हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं, वेटेज वाली कंपनी देख सकते हैं जिसकी वैल्यूएशन अच्छी है। वेटेज वाली कंपनी के लिए हमें उस सेक्टर का इंडेक्स देखना पड़ेगा, और उस सेक्टर का जो फैक्ट शीट हम पढ़ेंगे उसमें टॉप वेटेज वाली कंपनियां, सपोज जैसे देख लीजिए इन्फो, इन्फीसिस, इन्फी यहाँ पे, इन्फोसिस को शॉर्ट में इन्फी बोलते हैं। इन्फी आप देख लीजिए 10% करीब गिरावट, कोफोर्ज, एफले, हैप्पीस्ट माइंडसेट, बीसीजी, ये तो पेनी स्टॉक्स हैं, छोटे छोटे हैं। बाकी जो स्टॉक हैं देख लीजिए, बी सॉफ्ट, कोफोर्ज, अगर आप टॉप वेटेज वाली कंपनी में देखते हैं तो इन्फोसिस है, एम्फेसिस है, मास्टेक, LTIM, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, ये सब है। HCLTech में गिरावट नहीं है कोई खास, विप्रो गेन कर रहा है, लूज नहीं किया है। तभी जब सेक्टर का रोटेशन आएगा तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि अभी इन सेक्टरों में गिरावट है तो इन सेक्टरों का रोटेशन होगा। निफ्टी ऑटो ऑलरेडी गेनिंग सेक्टर है, इसको इग्नोर करेंगे अभी बाइंग के लिए। अब निफ्टी ऑटो गेनिंग है तो देखते हैं क्या निफ्टी ऑटो सेक्टर के जो है सारे के सारे स्टॉक गेन कर रहे हैं क्या। अब ऑटोमोबाइल पे आ जाइए, लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली ऑटो सेक्टर में जो टॉप वेटेज वाली कंपनियां हैं वो गेनिंग है, बाकी जो छोटी मोटी कंपनी है उसमें लूज है। छोटी मोटी कंपनियों में इतना लूज होने के बाद भी ऑटो सेक्टर गेन कर रहा है, उसका रीजन ये है कि जो हैवी वेटेज वाले स्टॉक है निफ्टी 500 के अंदर, निफ्टी ऑटो का, उसमें जो अच्छे वेटेज वाले कंपनी जैसे M&M, टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, बॉस, ये सब अच्छे गेन कर रहे हैं, इस वजह से इसका इंडेक्स काफी ज्यादा ऊपर है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक्स के एनालिसिस बेस्ड पे हमने निकाले हुए हैं डेटा वो इस प्रकार से हैं, जिसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा मूव हो चुका है, गेन हो चुका है, उसको हम फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे, वो हम स्विंग के लिए नहीं पिक करेंगे। तो हमें लूजर चाहिए, लूजर में हमें मिला आईटी कंपनी। आईटी कंपनी में जो वेटेज वाले, टॉप वेटेज वाले अच्छे स्टॉक्स हैं
जिनका स्कोप दिख रहा है, जिसमें कोई न्यूज नहीं है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। यह एक स्टॉक है टानला, TNLA। चलिए इस स्टॉक को देखते हैं, इसका चार्ट देखते हैं। क्या यह स्टॉक हमारे पैरामीटर पर फिट बैठता है? ओके, अब इसके लिए मुझे एक दूसरी वेबसाइट देखनी पड़ेगी जहाँ पे हम इस पे इंडिकेटर्स, क्योंकि मेरे ट्रेडिंग व्यू में जो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, उसको मुझे हटाना नहीं है। अभी मैं काइट ओपन करता हूँ। ठीक है, काइट मैंने लॉगिन कर लिया है। अभी यहाँ पे जो स्टॉक हमने देखे थे TNLA, टानला प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, चार्ट ओपन हो गया है। अभी हमें इंडिकेटर प्लेस करना है RSI। RSI प्लेस करते ही देखिए क्या स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में था। बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं कि जो वीडियो पहले पोस्ट की गई है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोरिलेट करेगी ही करेगी, और इस प्रकार से स्टॉक में आपके अच्छे मूवमेंट, शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा गेन आने की संभावना है। ऑलरेडी स्टॉक ओवरसोल्ड में जोन में जा करके वहां से रिवर्स हुआ है और अभी भी RSI के लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग देकर के ट्रेड कर रहा है, तो अभी इसमें अच्छा मोमेंटम बन सकता है ट्रेड के लिए। इस टाइप से और भी सेक्टर्स को आप बारीकी से देख सकते हैं। स्टॉक फिल्टर करना, फाइंड करना बहुत ही आसान हो गया। आपने सेक्टर्स के डेटा को बनाना देखा कि सेक्टर्स के डेटा को हम कैसे निकालते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, और ओवरऑल उतने सारे स्टॉक्स में यहाँ पे भाव कॉपी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2500-2600 स्टॉक आते हैं। यहाँ पे 2636 स्टॉक हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने माउस पॉइंट किया है, और 2636 में से हमें फिल्टर करते करते फाइनली कितने स्टॉक मिलते हैं, तो इस टाइप से हैं। तो यहाँ से आप रिसर्च करके आप अच्छा खासा स्टॉक फिल्टर कर सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिना किसी पे डिपेंड हुए, बिना किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन लिए आप खुद से ही ये डेटा तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार जो ये ट्यूटोरियल की शीट है, अभी जब ये फाइनली मैं बना दूंगा तो मैं इसको पब्लिकली शेयर भी कर दूंगा, जिसमें आप इजी वे में डेटा को ट्रैक करने के लिए देख सकते हैं। अगर आप खुद से ये बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आएगी। इस जो टेक्निक है डेटाबेस एनालिसिस में, इसमें आप बहुत सारी और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे वीडियोस पे, भी जैसे जैसे आप लाइक करते हैं व्यू आते हैं, और जैसे चैनल पे सब्सक्रिप्शन बैठते हैं, सब्सक्राइबर जो आते जाते हैं, तो उससे क्या है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और जो वीडियो मैंने RSI की बात की थी, आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स की पाठशाला में पार्ट 2 सेक्शन में है आपका RSI, आप रेफरेंस के लिए इसको देख सकते हैं, RSI की डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें डाली हुई है। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। आई होप कि आपको ये सब चीजें बहुत फायदेमंद साबित हो आपके लिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। हैप्पी ट्रेडिंग, एंजॉय टाइम, और अभी होली का सीजन है तो हैप्पी होली सभी को। एक बार फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस टाइम।